मानने वाले और संस्कृत के श्लोकों से आपको रोशनास कराने वाले मेरी इमराद आचार्य जी जमाल अहमद जमाल साहब से है। मैं मोदवान दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और कुछ कलाम अपना आप सबको कंस्टिट्यूशन भारतीय संविधान के संरक्षक संयोजक एवं संचालक प्रांगण में भी देख रहा हूँ उच्च कोटि के अधिकारी सब पको ध्यानम में वक्ता के सुनने के लिए मौन धारण किए हुए हैं। ऐसे शुभ अवसर पर शुभकामनाओं के साथ सबों के साथ जग जागरण कमेटी को मैं हार्दिक बधाई देता हुआ यही कह रहा हूँ कि जग जागरण कमेटी की मूल मंत्र क्या है, उनका मूल मंत्र है चलो बनाए एक अमन का शिवालय जिसकी प्रांगण में एक गीत पढ़ी जाए ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सुमति दे भगवान। इसके साथ मैं एक श्लोक के साथ इस बात को प्रमाणित करना चाह रहा हूँ कि धरती की कोख से जन्म लेने वाला हर इंसान हर मनुष्य हर मानव एक है। यमनी जा परो वेति गन्ना लघु चेताम उदानाम चरित्रांतु वसुधैव कुटुंबकम। हाल में इंसान की तरफ यह इशारा करते हुए यह वेद का श्लोक प्रमाणित कर रहा है, यह साबित कर रहा है, यह ऐलान कर रहा है, यह संकेत कर रहा है, यह सबक दी जा रहे कि हम सब भाई हैं और भाई बनकर रहेंगे। डिफिनेशन ऑफ ब्रदर उत्सवे पैसे विचय दुर्भिक्ष शत्रु संकट राज द्वारे अस्मशानम जाति क्षति सा बंधवा। हम सब भाई हैं मेरे भाई, हम कहाँ कहाँ भाई हैं, हम हिंदू हो या मुसलमान हो हमारा रक्त एक है, हम सब एक हैं, हम सबको मनुष्य बनना है और मनुष्य कैसे बनना है। धृति क्षमा तमो अत्यम सोच में इंद्री नीक रहा धी विद्या सत्यम क्रोधो दत्तं धर्मो लक्षणम। जब तक किसी इंसान को हिंदू हो या मुसलमान हो सिख हो या ईसाई हो जब तक 10 धर्म का जो रूप है वो उसमें नहीं मौजूद है तब तो वो किसी धर्म का अच्छा धार्मिक नहीं हो सकता है। इस धर्म को उठाने के लिए हम सबको एकता की सदमी को पढ़ना पड़ेगा, हम एक होना पड़ेगा और हाल में फर जाएगा अमन का परचम यहाँ अब हर तरफ लहराएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जमीन पे खून बहने पाएगा। हम एक हैं और हम एक रहेंगे, सभी एक हैं, सब एक रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। फिर कभी खुदा हाफिज। जय हिंद जय भारत। जमाल अहमद जमाल साहब अपने तासुरात आपके सामने पेश कर रहे थे। सामने